सो हेलो गाइस, वेलकम टू लेक्चर 14। तो ये मॉड्यूल 2 का 14th लेक्चर है। तो आज हम लोग, जैसे मैंने बताया था, मॉस्फेट पढ़ेंगे। तो लेट अस बिगिन। मॉस्फेट, तो मॉस्फेट क्या है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो ये है मॉस्फेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो ये पूरा उसके कंस्ट्रक्शन को डिफाइन करता है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, तो उसमें तुम लोग को पता चलेगा इसको मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर क्यों बोला जाता है। तो मॉस्फेट कितने टाइप के हैं? मॉस्फेट जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। एक है एनहेंसमेंट टाइप और एक है डिप्लीशन टाइप। एक है एनहेंसमेंट टाइप, दूसरा है डिप्लीशन टाइप। और एनहेंसमेंट में भी 2 टाइप के आते हैं, एक है एन चैनल, दूसरा है पी चैनल। इसमें भी एक है एन चैनल और एक है पी चैनल। तो मॉस्फेट एक एक्टिव डिवाइस है जो कि चार्ज को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ? चार्ज। तो मॉस्फेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल कर सकता है। मतलब एक बहुत ही अहम एप्लीकेशन है मॉस्फेट का एज ए स्विच। तो मॉस्फेट को हम लोग एक स्विच की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? उसके वर्किंग में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले मॉस्फेट के कंस्ट्रक्शन पे चलते हैं। हाउ मॉस्फेट इज कंस्ट्रक्टेड, उसको मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्यों कहते हैं, इस टॉपिक से तुम लोगों को आज पता चलेगा। सो पहले मॉस्फेट का कंस्ट्रक्शन में एक होता है सबस्ट्रेट। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एन चैनल एनहेंसमेंट टाइप मॉस्फेट। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एन चैनल एनहेंसमेंट टाइप मॉस्फेट। तो एन चैनल एनहेंसमेंट टाइप मॉस्फेट में जो सबस्ट्रेट होता है, वो सबस्ट्रेट होता है पी सबस्ट्रेट। क्यों होता है, फिर इसको एन चैनल क्यों बोला जाता है? अगर ये पी सबस्ट्रेट है तो इसको एन चैनल क्यों कहा जाता है, यह अभी हम लोग इसके वर्किंग में पता चलेगा। तो एक पी सबस्ट्रेट लेते हैं और उस पी सबस्ट्रेट में 2 वेल बनाते हैं। वेल मतलब यहां पे इंसर्शन होता है दूसरा सेमीकंडक्टर का, वो है एन टाइप सेमीकंडक्टर। 2 एन टाइप सेमीकंडक्टर यहां पे इंसर्ट होते हैं। इसको वेल क्यों कहा जाता है? जैसे हम लोग जमीन पे वेल मतलब कुआं खोदते हैं, वैसे ही एक पी टाइप सबस्ट्रेट में एन टाइप का वेल खोदा जाता है। ये एक एन और ये दूसरा एन। तो ये बन गया तुम्हारा पी टाइप सेमीकंडक्टर और ये बन गया तुम्हारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये क्या बन गया यहां पे? यहां पे एक पीएन जंक्शन और यहां पे भी एक पीएन जंक्शन। अभी नेक्स्ट क्या होता है, यहां पे एक मेटल लगाया जाता है और यहां से जो पॉइंट निकलता है इसको बोलते हैं बॉडी। यह है इसका बॉडी। और यहां पे हम लोगों का ड्रेन और सोर्स निकलता है। जैसे हम लोग JEE-PT में पढ़े थे, एक ड्रेन होता है, एक सोर्स होता है। और लेकिन इसका गेट कैसे निकलेगा? इसका गेट निकलने से पहले यहाँ पे एक पतला सा लेयर होता है जो होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक मेटल ऑक्साइड है। तो मेटल ऑक्साइड का एक लेयर होता है यहाँ पे, ये वाला लेयर। और उस लेयर के ऊपर मेटल होता है
और उस मेटल से निकलता है तुम लोगों का गेट पॉइंट। तो यार ड्रेन, ये गेट और ये सोर्स। तो ये हुआ ओवरऑल कंस्ट्रक्शन ऑफ एन टाइप एनहेंसमेंट मॉस्फेट। चलो अभी हम लोग इसको वर्किंग डिस्कस करेंगे। तो इसका वर्किंग डिस्कस करने से पहले हम लोग अभी बताएंगे कि यहाँ पे एन और पी जंक्शन, पी एन जंक्शन है, और जहाँ पे भी पी एन जंक्शन होता है तो पहले हम लोग इसको ग्राउंड कर देते हैं। इसको ग्राउंड करने के बाद इसके सोर्स को और बॉडी को कनेक्ट होता है। आफ्टर दिस इज कनेक्टेड, एन टाइप सेमीकंडक्टर है तुम लोगों का कहाँ पे, सोर्स पे और ड्रेन पे, और पी टाइप सबस्ट्रेट है तुम्हारे, और पी टाइप सबस्ट्रेट डायरेक्टली कनेक्टेड है ग्राउंड पे, और एन टाइप कनेक्टेड है ड्रेन पे जो कि बाहर की तरफ है। तो यहाँ पे ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज फ्लो होना चाहिए, लेकिन वो फ्लो नहीं करेगा क्योंकि ये अभी रिवर्स बायस में है दोनों। तो रिवर्स बायस होने के कारण यहाँ पे डिप्लीशन लेयर बन जाता है, यहाँ और यहाँ डिप्लीशन लेयर बन जाता है। फिर हम लोग गेट टू सोर्स, आई रिपीट, गेट टू सोर्स जो कनेक्ट करते हैं वो क्या है, वो है तुम लोगों का वोल्टेज VGS। और जैसे मैंने कहा था VGS या तो ज़ीरो होता है या तो नेगेटिव, तो सोर्स के रेस्पेक्ट में ये क्या है, नेगेटिव है, और गेट के रेस्पेक्ट में ये पॉजिटिव है। तो इसको यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे तो ये पी सबस्ट्रेट है, तो पी सबस्ट्रेट मतलब यहाँ पे मेजोरिटी चार्ज कैरियर है होल्स। कन्वेंशनली अब हम होल्स को ऐसे लिखेंगे और इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे लिखेंगे, ठीक है, दिस इज फॉर होल्स एंड दिस इज फॉर इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे बहुत सारे होल्स हैं, तो जब ये कनेक्टेड होता है तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है नेगेटिव को, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स को, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स आके यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे, लेकिन वो फ्लो नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके बीच में सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, और सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक इंसुलेटर है। यहाँ पे जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है उसका दो प्रॉपर्टी है, पहले हम लोग उसका पहला प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, दैट इज इट्स एन इंसुलेटर। तो बीइंग एन इंसुलेटर इट डज नॉट अलाउ फ्लो ऑफ करेंट, बट ये चार्ज, ये पॉजिटिव पोटेंशियल होने के कारण ये चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा लेकिन इसके बाहर नहीं जा पाएगा, तो यहाँ पे वो एक्युमुलेट हो जाएगा। अब इसका दूसरा प्रॉपर्टी है कि ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक डाइइलेक्ट्रिक है। डाइइलेक्ट्रिक मतलब जब एक कैपेसिटर बनता है तो दोनों तरफ उसका क्या रहता है, मेटल, और बीच में रहता है एक डाइइलेक्ट्रिक। तो उससे क्या होता है, यहाँ पे अगर पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एक्युमुलेट करेंगे, तो उस डाइइलेक्ट्रिक होने के कारण और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एक्युमुलेट कर लेते हैं। तो पहला रीज़न क्या है, वो इंसुलेटर है और पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव पोटेंशियल खींच रहा है इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे एक्युमुलेट हो गए। दूसरा रीज़न ये है कि वो पॉजिटिव पोटेंशियल फिर से होने के कारण यहाँ पे एक कैपेसिटर बनता है, जो ऊपर एक मेटल, नीचे एक सेमीकंडक्टर, और बीच में एक होता है क्या, डाइइलेक्ट्रिक, उसके कारण यहाँ पे और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक्युमुलेट होते हैं। फिर जब यहाँ पे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन एक्युमुलेट होते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे एक बन जाता है एन चैनल, यहाँ पे एक बन जाता है एन चैनल। कब बनता है, जब VGS एक्टिवेट होता है नेगेटिव पे, जब VGS एक्टिवेट हो
तभी ये एन चैनल बनता है। जब बनता है VGS बढ़ते बढ़ते जाता है, एक पॉइंट पे ये बन जाता है, तो उस पॉइंट को हम लोग इसमें भी वही पिंच ऑफ वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब एन चैनल बन जाता है तो ये कुछ इस तरह दिखता है। अभी ये बन जाएगा ऐसा पूरा का पूरा N। तो उससे क्या होता है ना, उससे सोर्स और ड्रेन के बीच में करंट फ्लो करने लगता है। अगर तुम सोर्स पे कोई भी वोल्टेज दो तो ये N टू N इजीली फ्लो कर सकता है इंटरनली। तो इसका एडवांटेज क्या हुआ, इसका एडवांटेज हम लोग उसके सिंबल बना के डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैंने बताया था कि MOSFET का एक बहुत ही अहम एप्लीकेशन है, इट वर्क्स एज ए स्विच। तो यहां पे ये रहा MOSFET। तो अभी हम जब इस यहां पे 0 वोल्ट है गेट सोर्स, तो सोर्स पे पॉजिटिव गेट पे था, सॉरी सोर्स पे था नेगेटिव गेट पे था पॉजिटिव। तो यहाँ पे V वोल्ट है और यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं एक बल्ब लगा के। तो यहाँ पे एक बल्ब है और यहाँ पे ग्राउंड, यहाँ पे बैटरी। तो अभी हम लोग गेट पे दे रहे हैं 0 वोल्ट, मतलब कुछ दे ही नहीं रहे, तो ये बल्ब ऑफ है। जब यहाँ पे हम लोग VGS देंगे जो कि पिंच ऑफ वोल्टेज से ज़्यादा है, वो एक बैरियर के बाद मतलब पिंच ऑफ वोल्टेज के बाद, तब क्या होगा, तो ये यहाँ पे होने से यहाँ पे दोनों जो P सब्सट्रेट में N चैनल फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। ये दोनों रीजन के कारण इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, खींच लेगा पॉजिटिव पोटेंशियल, तो ये क्या हो जाएगा, वोल्ट करंट यहाँ से पास कर जाएगा N टू N, जैसा मैंने बताया था प्रीवियस डायग्राम में, और N टू N करंट पास करके ये बल्ब ग्लो करने लगेगा। फिर जब यहाँ पे सप्लाई बंद हो जाएगा फिर धीरे धीरे वो इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ जाएंगे, होल्स वो जगह ले लेंगे, तो ये स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर ये बल्ब ग्लो करना बंद कर देगा। तो दिस इज द मोस्ट यूज्ड एडवांटेज ऑफ MOSFET, दैट इज MOSFET कैन बी यूज्ड एज ए स्विच। ठीक है, तो टुडेज लेक्चर वी लर्नड अबाउट द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ MOSFET। सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव प्लीज हिट द लाइक बटन, कमेंट बिलो इफ यू हैव एनी डाउट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज एंड मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।